सत श्रीकाल सारे नूं, मेरा नाम जसविंदर सिंह है। स्वागत है आपका 99 ब्रिक्स रियल स्टेट चैनल पर। सो फ्रेंड्स, अगर आप कोई प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट सर्च कर रहे हैं या प्लॉटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट सर्च कर रहे हैं, तो इस टाइम जो मेजर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो गोवा के अंदर कर रहे हैं, तो आप भी गोवा के अंदर प्रॉपर्टी पे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे युगेन ग्रुप अपनी 300 एकड़ की टाउनशिप लेकर आया है, जिसके अंदर आपको प्लॉट्स और विला के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये जो टाउनशिप है, ये चारों तरफ से वॉल कवर्ड रहेगी, गेटेड सोसाइटी रहेगी, सभी एमिनिटीज आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। 2 एकड़ का आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर क्लब देखने को मिलेगा, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क, ये सब चीजें आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करने का मेन बेनिफिट रहेगा वो ये होगा कि आपको एक अच्छा रेंटल इनकम जनरेट हो जाएगा। गोवा जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, सिर्फ इंडिया से ही नहीं, लोग बाहर के देशों से भी यहाँ पे घूमने आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा रेंटल मिल सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो प्लॉट के साइज है यहाँ पे 350 गज से लेके 1000 गज के साइज अवेलेबल है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 करोड़ रुपए में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, आपको 350 गज का प्लॉट मिल जाता है। रेट जो है वो नेगोशिएबल रहेंगे, उसके लिए आप हमारे से ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिल जाता है, जो कि 350 गज का मिलता है। और अगर फ्यूचर में आप उसको कंस्ट्रक्ट करके विला में कन्वर्ट करके किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे रेंट आउट करते हैं, जैसे कि एयरबीएनबी या booking.com पे आप उसको लिस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं एयरबीएनबी पे आज की डेट में 3 BHK का जो विला है 15 से 16 हजार पे पर डे के रेंट पे रेंट आउट हो रहा है। तो इन विलाओं को एयरबीएनबी पे वो लोग लेते हैं जो बाहर के स्टेटों से आते हैं और वो अपना एक सेपरेट हाउस लेके रहना चाहते हैं हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक दिन का जो रेंट आ रहा है वो 15 से 16 हजार रुपए आ रहा है, तो कितना अच्छा आपको रेंटल जनरेट हो जाएगा। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी निकलता है कि जो इस तरह की रेंटल होती है वो रेगुलर नहीं होती है, बट सीजन में ये रेगुलर ही रेंट आउट रहते हैं। ऑफ सीजन में अगर हम माने तो कुछ टाइम के लिए खाली भी रहेंगे, लेकिन अगर एवरेज आउट करें तो 12% से ऊपर की रेंटल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 1 करोड़ रुपए का अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेते हैं 350 गज का, उसके ऊपर मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्शन करने में भी अगर आपका 125 करोड़ रुपए लगता है, 2-2.25 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए रेंटल आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इस प्रोजेक्ट को आप एक सेकेंड होम की तरह भी देख सकते हैं। कल को आप कभी गोवा जाओ तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, आप अपनी प्रॉपर्टी में रुक सकेंगे, और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में जा रहा है तो वो आपकी प्रॉपर्टी में रुक सकेंगे, या फिर जब वो खाली है तो उसको आप एयरबीएनबी और booking.com पे लिस्ट करके एक अच्छा रेंटल जनरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप गोवा के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट में बाइंग करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रेंटल जनरेट हो जाएगा। साथ साथ इस प्लॉट्स के अंदर आपको पेमेंट प्लान भी काफी फ्लेक्सिबल मिल जाएगा। आज के जो रेट है उस पर आपकी बुकिंग हो जाएगी, और पेमेंट जो है वो 25-25-25 करके देनी है। अभी आपको 25% देना है बुकिंग पे, विद इन 6 मंथ आपको 25% देना है, तो 2 साल के अंदर इसकी पोजीशन रहेगी, तब तक आपको टोटल आपका 100% पेमेंट देनी है। तो पेमेंट प्लान भी फ्लेक्सिबल है, अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और गोवा जो है टूरिस्ट प्लेस है, काफी अच्छी रेंटल आपको जनरेट करके दे सकता है। इसके लिए अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वही करे जिसको एक रेंटल इनकम बनानी हो, जिसको एक हॉलीडे होम बनाना हो, काफी अच्छी रिटर्न्स आपको मिल सकती हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ।